तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इंस्टाग्राम पर एक प्रॉब्लम देखने को मिला है। प्रॉब्लम क्या है, वो न्यू अपडेट में आ रहा है। जैसे आप लोग के इंस्टाग्राम पे ब्रांडेड कंटेंट का न्यू अपडेट आया है, तब से आपका जो मोनेटाइजेशन स्टेटस है, यू आर करेंटली अनेबल टू मोनेटाइज दिखा रहा होगा, एंड ब्रांडेड कॉन्टेंट जो है वो नॉट एलिजिबल दिखा रहा होगा, एंड पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी में एरर दिखा रहा होगा। जैसे आप लोग पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी पर क्लिक करते हैं तो स्टेबल्स प्रेजेंस दिखा रहा होगा। यहाँ पर हो सकता है एक स्टेबल प्रेजेंस हो, दो हो, तीन हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। पहले तो जानेंगे कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। बहुत सारे लोग इससे घबराए हुए हैं कि मेरा मोनेटाइजेशन स्टेटस यहाँ पे नॉट एलिजिबल क्यों दिखा रहा है। सो आपको इस वीडियो के अंदर पूरा क्लियर करके बताने वाला हूँ। सो पहले जानेंगे कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। प्रॉब्लम जो है वो दो तरीके से आ रहा है। पहला क्या है, न्यू अकाउंट में आ रहा है। जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे न्यू अकाउंट है, न यहाँ पे कोई रील अपलोड है, ना कोई पोस्ट अपलोड है, यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं है। एंड यहाँ पर फॉलोइंग ऑल फॉलोअर भी डाउन है, यानी फॉलोइंग और फॉलोअर भी यहाँ पे नहीं है। सो इस तरीके के अकाउंट जो न्यू अकाउंट है जिसपे फॉलोइंग, फॉलोअर या फिर रील, पोस्ट ये सब अपलोड नहीं है, तो इस तरीके के अकाउंट पर आ रहा है। या फिर एक और तरीका है इस प्रॉब्लम को आने का, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। इस अकाउंट पर क्या था कि मैंने कुछ न्यूड फोटो वगैरह अपलोड कर रखा था, दो मैंने न्यूड फोटो अपलोड कर रखा था, इसीलिए यहाँ पर ये दो एरर दिखा रहा है। बट मैंने वो डिलीट कर दिया, फिर भी ये एरर नहीं गया, यानी मेरे अकाउंट पर स्ट्राइक आ चुका है। अब ये स्ट्राइक कैसे हटेगा? अगर आपने कुछ गलती किया है, नहीं भी किया है, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, सो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टेबल प्रेजेंस दिखेगा। यहाँ पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो इस तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा। तीसरा कारण जो मैं आपको बताने से भूल गया था, तीसरा कारण क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम को आने का, देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, स्टेबल प्रेजेंस टू मोनेटाइज यू मस्ट हैव एन ऑथेंटिक स्टेबल प्रेजेंस ऑन इंस्टाग्राम, मेंटेन ए सफिशिएंट नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड मीट आवर रिक्वायरमेंट्स फॉर हाउ लॉन्ग योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिव। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपका जो फॉलोअर है वो हाई होना चाहिए, यानी ज़्यादा होना चाहिए, लगभग 500 प्लस या 1000 प्लस आपका फॉलोअर होना चाहिए, क्योंकि मोनेटाइजेशन के लिए इतना यहाँ पे इसका मेंटेन रूटीन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अकाउंट जो है वो लॉन्ग टाइम से एक्टिव होना चाहिए। देख सकते हो लॉन्ग योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिव। बहुत सारे लोग अकाउंट बना के उसको बस कभी कभी यूज करते हैं, नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। तो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए। जो अकाउंट एक्टिव नहीं है उस पर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से आपको कुछ भी करने का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको बैक आना है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं किया तो रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कर सकते हो। तो आप लोग रिक्वेस्ट रिव्यू पे इजीली क्लिक कर देते हो, लेकिन यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो आ रहा है, यहाँ पर सबमिट रिव्यू रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है वो ब्लैंक जा रहा है, सबमिट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ऊपर देखने को मिलता है, इफ़ यू हैव रीड आवर पॉलिसी एंड बिलीव देयर्स बीन ए मिस्टेक यू कैन रिक्वेस्ट रिव्यू वंस एवरी 19 डेज, यू कैन इंक्लूड मोर देन वन पॉलिसी वायलेंस इन ए रिव्यू रिक्वेस्ट, सम पॉलिसी वायलेंस आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर रिव्यू। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग 90 दिन के अंदर एक बार सबमिट कर सकते हो। सो जब से आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है उसके 90 दिन तक आपको वेट करना होगा। अब 90 दिन के अंदर आपको क्या करना है कि आपने अपने अकाउंट पर जो गलत पोस्ट वगैरह डाल रखे हो उसको तो पहले डिलीट कर देना है, एंड जो नहीं डाल रखे हो फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो वो न्यू अकाउंट पे आ रहा है। तो उनको क्या करना है कि पोस्ट वगैरह डालते रहना अपने अकाउंट पर, एंड फॉलोइंग एंड फॉलोअर को थोड़ा ग्रो कर लेना भाई। अगर नहीं रहेगा तो ये प्रॉब्लम आपका नहीं जाने वाला है, एंड आपको आपके अकाउंट पे ज़्यादातर एक्टिव रहना है। ऐसे तो ये प्रॉब्लम 90 दिन के बाद ही जाएगा, चाहे आप लोग कुछ भी कर लो, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर करना है। उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर से आपको रिक्वेस्ट रिव्यू 90 दिन बाद करना है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, एंड आपका जो ब्रांडेड कंटेंट है वो एलिजिबल हो जाएगा। इस तरीके से करके आप लोग अपने ब्रांडेड कंटेंट को एलिजिबल कर सकते हो। वीडियो नॉलेजबल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।